हरी पेड़ मरो सांझा उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के जयते मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। चले नेताजी के आज के सफर में हम आपको लेकर चलते हैं गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र। ये नजारा है पठानकोट में स्थित विनोद खन्ना के घर का। घर के बाहर सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। गाड़ी को धोकर तैयार किया जा रहा है विनोद के प्रचार के लिए। शर्ट पर हाफ जर्सी पहने च्युइंगम चबाते हुए विनोद खन्ना तैयार हैं लोगों के बीच वोट की अपील करने, पर उनके स्टाइल को देखकर वो आज भी नेता कम अभिनेता ज्यादा लगते हैं। हो भी क्यों ना, लोग उन्हें जानते भी तो उनके इसी रूप से हैं। रुपहले पर्दे पर नायक से अभिनेता बने विनोद खन्ना एक बार फिर जनता के बीच पहुंच गए हैं उनका साथ मांगने। फोकस न्यूज संवाददाता ने पूरा एक दिन विनोद खन्ना के प्रचार में उनके साथ रहकर जाना कि वो किस तरह से जनता से कर रहे हैं वोट की अपील। चले नेताजी का सफर पहुंचा है पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के पठानकोट शहर में। पठानकोट शहर में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर घर है इस क्षेत्र से भाजपा के कैंडिडेट विनोद खन्ना का, जाने माने फिल्म अभिनेता और यहां से 3 बार सांसद बन चुके विनोद खन्ना के साथ आज हम पूरा दिन होंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हैं। विनोद खन्ना ने कांग्रेस की सीट को छीनकर भाजपा की झोली में डाला था 1998 में और उसके बाद वो लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे हैं। 2009 में वो चुनाव हार गए थे, इस बार फिर वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि एक बार फिर से यहां से सांसद बने और इस सीट को भाजपा की झोली में डाल सकें। तो पूरा दिन उनके साथ और जानने की कोशिश कि किस तरह से वोट मांगते हैं विनोद खन्ना और किस तरह से लोकप्रिय हैं वो यहाँ के लोगों के बीच में। अपने घर से विदा लिए और लोगों को आश्वासन देते विनोद खन्ना निकल पड़े अपना चुनाव प्रचार करने। सबसे पहले वो पहुंचे दीनानगर। जहां उन्होंने कई शिकायतों को सुना जिसमें कई अकाली नेताओं की शिकायतें भी थी। इन्हां लोकां नूं प्यार करदे ने तां वोटां पाउंदे ने ते इन्हां दा दुख दूर करना इन्हां दी गल सुनना तुहाडा फर्ज है। तुसीं इस हलके दे कैंडीडेट हो और मैं तुहानूं इन्हां कहना चाहुंदा जिहड़ा तुहाडा इत्थे कैंडीडेट है जां ते ओह जथेबंदी दे डिसिप्लिन विच आ जाए, जे डिसिप्लिन विच ना आया इह किहड़ा काम मुक जाणा ना, ओह पार्टी दा वड्डा नुकसान जरूर कर जू। अज तक 3 सालां विच कदे बीजेपी दे किसे लीडर ने तड़ेड़ नहीं कीती। देखो जी, मोरू राजनीति आती नहीं, मैं इत्थे सेवा करन आया। मेरे अंदर सेवा करने की आवाज उठी सी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया सी, मैनू उन्होंने गुरदासपुर भेजता और मैं कसम खा के आया सी कि मैं पूरे दिलो जान दे नाल गुरदासपुर हलके की सेवा करूंगा। शिकायतों से आहत लोगों से विनोद खन्ना ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि वायदों की झड़ी भी लगा दी। मैं पार्टी की तरफों अपनी तरफों माफी मांगना अगर किसी ने दिल उठाया है। 3 बार गुरदासपुर से सांसद रहे विनोद खन्ना पिछले चुनावों में प्रताप सिंह बाजवा से करीब 7,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार वो गुरदासपुर की जमीन से जनता का साथ पाने में जी जान से जुटे हुए हैं। भाषण देते विनोद खन्ना चाहे कम तालियां बटोरते, लेकिन अपने फिल्मी अंदाज में जब जब वो डायलॉग सुनाते तो तालियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ती। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सबूत है।
दीनानगर में शिकायतें और मनमुटाव को दूर कर विनोद खन्ना आगे बढ़े। यहाँ से वो खुद अपनी गाड़ी के पायलट बन गए और उनके साथ थे अकाली नेता जो उनके समर्थन में उतरे थे। विनोद खन्ना गांव-गांव जाकर वोट की अपील कर रहे थे। लोग उनके इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे। वहां पहुंचकर विनोद खन्ना ने भाषण शुरू किया फतेह लगाकर। और फिर देरी से पहुंचने पर माफी मांगी और कारण भी बताया। पहले सबसे पहले तो मैं माफी मांगा, देरी हो गई, कोई सारा कुछ दीनानगर मतभेद सी लगा जी, आप आए लोगों को बुलाया और 16 करा दी। 3 बार सांसद रहे विनोद खन्ना पिछली हार के बाद इस बार जीत के लिए लोगों का साथ मांग रहे हैं, लेकिन वोट अपील करने का अंदाज नेता नहीं अभिनेता वाला। यहां पर फिर विनोद खन्ना ने अपने डायलॉग के साथ लोगों को लुभाया और जनता ने भी उनका भरपूर साथ दिया। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। विनोद खन्ना का काफिला आगे बढ़ता रहा और सड़कों पर क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई बाइक पर सवार भाजपा के झंडे लिए विनोद खन्ना का प्रोत्साहन बढ़ाने उनके काफिले में शामिल हुआ। यूं ही जनता को अपने अंदाज से लुभाते और वोट अपील करते शाम तक ये काफिला कादियान पहुंचा, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपने इस अभिनेता नेता को देखना चाहता था। विनोद खन्ना के साथ हम कादियां में हैं, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने वोट मांगने आए हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो उनकी वो छोटी सी जनसभा हो रही है जहाँ पर वो लोगों से वोट की अपील करेंगे, लेकिन हमारे साथ इधर काफ़ी संख्या में जो बच्चे हैं गांव के वो इकट्ठे हैं, दर्जनों की संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। वोटरों के लिए भले ही विनोद खन्ना एक नेता बन गए हों, लेकिन बच्चों के लिए वो एक अभिनेता हैं, और शायद इसी वजह से ये सब बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उस शख्स को देख सकें जिसको फिल्मों में विलेंस के साथ मारधाड़ करते हुए इन्होंने देखा है। यानी नेता और अभिनेता दो छवियाँ लेकर विनोद खन्ना चल रहे हैं, यही वजह है कि वो जहाँ भी जाते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ उनको सुनने के लिए मौजूद रहती है। नरेंद्र मोदी जी 5 साल पंजाब में रहते रहे, साढ़े भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सन, जो साढ़े हल्के की जानकारी उनको पूरी है। मेरे देश की लाखों बीमारियों का कारण दिल्ली में बैठा एक परिवार है, तो मैं विनती करूंगा तुम्हारे आगे कि बहुत हो गया कांग्रेस का राज, वो खत्म करना है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, और हमेशा हमेशा से गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट हैं विनोद खन्ना जी जो हमारे साथ हैं। विनोद जी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? एक ही मुद्दा है पूरे देश में, वो है भ्रष्टाचार को खत्म करना और इस देश का विकास करना, यही मुद्दे हैं हर जगह। लगातार 3 बार आप एमपी रहे और पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा, इस बार फिर वो आपके सामने मैदान में होंगे, किस तरह की फीलिंग है? फीलिंग बहुत कॉन्फिडेंस है हमारे कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि वो पहली बार जो मैं जीता था 1 लाख कितने वोटों से, वो कहते हैं उसकी दुगनी वोट होगी आपकी बार और आपको उसकी दुगने वोटों से जिताएंगे, तो इतना उत्साह है यहाँ इस वक्त। पंजाब में सर नशाखोरी भी एक बड़ा इशू है, आपको लगता है कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल बादल साहब पूरी तरह इस पर ध्यान दे रहे हैं, हाँ स्टेट में पूरी तरह इसके लिए चुकन्ने हैं सारे और उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी सर मैदान में है, यहाँ से भी चुनाव लड़ रही है पार्टी, उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं, घूम रहे हैं सब जगह? देखिए आम आदमी पार्टी की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी, लोगों को बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 49 डेज में उनकी सरकार गिर गई, गिर नहीं गई, उन्होंने खुद गिरा दी ये सोच के कि भाई वो सारे लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सारी सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन जो रिस्पॉन्स दिख रहा है सारे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई भी सीट आए। सर आप पर विपक्षी सिर्फ एक आरोप लगाते हैं कि आप यहाँ नहीं रहते, आप मुंबई ज़्यादा रहते हैं जी। नहीं जी, मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरी दाल रोटी वहाँ से आती है, हाँ मैं पॉलिटिक्स से कोई पैसा नहीं कमाता,
लेकिन मैं यहाँ हर महीने 5-7 दिन 10 दिन लगा के जाता हूँ हर महीने। अब तो मैंने पठानकोट में अपना घर भी बना लिया है, तो मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। कई बार ऐसे होगा जब मैं शूटिंग मेरी नहीं है तो मैं यहाँ आके रहूँगा। मेरा घर है, बहुत अच्छा सुंदर सा घर बनाया मैंने पठानकोट में, तो ये तो मेरा परिवार है। एक पूरा गुरदासपुर हल्का मेरा परिवार है, परिवार बन गया है। मुझे इस हल्के से, इस पूरे एनवायरनमेंट से, लोगों से इतना प्यार हो गया है कि मैं इसको कभी छोड़ नहीं सकता। आखिरी सवाल है सर, इस बार क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है आप करेंगे जब आप MP बन जाएंगे? क्योंकि उम्मीद ये है सबकी कि आप मंत्री भी बनेंगे मोदी सरकार में, मोदी जब प्रधानमंत्री होंगे, क्या करने का इरादा है? सी, यहाँ पर देखिए, हमने जो बड़े बड़े यहाँ के डिमांड्स थी ब्रिजेस की, पुलों की, वो 3 बड़े बड़े पुल हमने बना दिए। छोटे पुल तो बहुत सारे बनाए हैं हमने, यहाँ एयरपोर्ट बना दिया है। यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम यहाँ इंडस्ट्री को इनवाइट करेंगे, एक स्पेशल पैकेज अपनी सरकार नरेंद्र मोदी जी से लेके आएंगे। और ये एक बहुत सुंदर हल्का है, यहाँ टूरिज़्म बहुत बढ़ सकती है, इसको टूरिज़्म का हब बनाएंगे। हमारे पास लेक्स हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ यहाँ है। उसको किस तरह इसका पूरी तरह पर्यटन उपयोग कर सकें वो हम करेंगे। इसको एक टूरिज़्म हब बनाएंगे ताकि यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ लगे लोगों की, बहुत सारे लोग आए यहाँ घूमने फिरने के लिए। वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल टूरिज़्म, यहाँ इतने सारे स्थान हैं जहाँ लोग आस्था से आते हैं। मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरुद्वारे, बहुत धार्मिक स्थान हैं यहाँ। तो उसके लिए भी यहाँ हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यहाँ लोग आएँ। सर, उम्मीद करते हैं कि जो रिकॉर्ड आपने पहले बनाया था लगातार 3 बार जीतने का, 4थी बार आप फिर संसद में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे, और पूरी तरह अपने हलके की जो तकलीफें हैं, जो मसले हैं यहाँ के, पूरी उसका समाधान निकालेंगे। कांग्रेस को मार के छोड़ेंगे जी? बिल्कुल, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो ये थे विनोद खन्ना जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार लोग उनका साथ जरूर देंगे। पिछली बार एक गलती यहाँ के लोगों ने शायद कर दी थी कांग्रेस को वोट देकर, लेकिन इस बार मोदी की सरकार आ रही है, पूरे देश में मोदी की लहर है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार का हिस्सा बनने का सौभाग्य यहाँ के लोग उनको जरूर देंगे। फिर मनो साझा उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के जय थे। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हम विनोद खन्ना के साथ हैं, वो 3-4 जगह अब तक जा चुके हैं वोट मांगने के लिए। उनका साथ अकाली दल के नेता भी दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भाजपा के साथ अकाली दल का गठबंधन है। जहाँ जहाँ भी विनोद खन्ना जाते हैं वहाँ पर अकाली दल के कार्यकर्ता जुटते हैं, तो उनको तमाम तरह की शिकायतें विनोद खन्ना से भी हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से भी। ये सब आने वाले समय में, चुनाव के समय में, वोटिंग के समय में विनोद खन्ना को थोड़ा भारी पड़ सकता है, लेकिन विनोद खन्ना को लेकर ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं। विनोद खन्ना ज़्यादा बड़ा भाषण भी नहीं देते हैं, वो 1 या 2 मिनट लोगों से बात करते हैं और बीच बीच में अपने जो फिल्म के डायलॉग हैं, जो मशहूर डायलॉग है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उसको ज़रूर लोगों को सुनाते हैं और जो वोटर्स हैं उनसे वोट की अपील करते हैं। मैं फिर थोड़ा उम्मीदवार बन के आ गया, तुसी बेशक मेरा हाथ छोड़ो, मैं तो हाथ नहीं छोड़ता। मैं पार्टी को कहता सी कि अगर मैं इलेक्शन लड़ांगा तो सिर्फ गुरदासपुर तो लड़ांगा। बड़ी कोशिश की थी गई कि मुझे किसी और जगह भेज दे, लेकिन मैं अड़िया रहा कि मैं इलेक्शन लड़ांगा तो सिर्फ गुरदासपुर तो लड़ांगा, नहीं तो इलेक्शन नहीं लड़ांगा। मैं पार्टी की सेवा करूंगा पूरी तरह, जिथे मर्जी मुझे भेजो, जितने जो काम मेरे को करवाने बेशक कराओ, लेकिन इलेक्शन मैं गुरदासपुर तो लड़ांगा। थोड़ी असीसा, थोड़ी आवाज,
इतों पता नहीं किन्ने हजारों टेलीफोन कॉल्स है साढ़े दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस। बादल साहब ने फोन किया कि भाई इतों कोई जित जित सकता है तो विरोध नहीं जित सकता। तुहाडा प्यार तुहाडा विश्वास जो मेरे ते हैगा उहदा मैं बहुत धन्यवादी हाँ। मैं आया इतने सेवा कर पिछली बार असि थोड़ी जी वोटर हार गए सर। हारन का कारण कुछ हो रही सी, मेरे नाल लोग नाराज नहीं सन। मैं पिछली बार भी आसानी नाल जीत जाता लेकिन कुछ नाराजगी लोगों की बटाले से कादियां से उस वेले सिखा जी इतने सन नहीं, बाकी सारे हल्कों तो मैं जीता। मुझे कोई अफसोस नहीं हारण का, मुझे सिर्फ दुख इस गल का कि साडा हल्का पांच साल पिछड़ गया, असीं जाया कीते पांच साल। बटाले के लोग भी हुण समझते जानते हैं, बड़ा अफसोस करते हैं कि साड़े कोल गलती हो गई। उन्होंने जनता को संबोधित किया और जनता से उनके नाम पर मुहर लगाकर उन्हें एक बार फिर मौका देने की बात की। पिछली बार असि थोड़िया जी वोटों में हार गए सर, 4,000 वोट, जो भी उसका कारण से मुझे अफसोस उस गल का नहीं है। मुझे दुख इस गल का है कि असी 5 साल जाया करते। जिस तरह सेखवा जी ने हुण किया सी कि सरकार शायद दिल्ली कांग्रेस पार्टी की सी, इस वास्ते कुछ लोगों ने उस पासे वोट पाई है क्योंकि काम उदे ही होंगे जिन्हों की सरकार दिल्ली हो। ऐतकी बाद हिंदुस्तान के लोगों ने मन बना लिया है पूरी तरह कि भाई एनडीए की सरकार बनानी है और श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। वहीं इस बीच फोकस टीवी के कैमरे पर कैद हुए वहां पर कैंपेनिंग कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुच्छा सिंह छोटेपुर। दर्शन तो करने से पहले मैं इस नगर दी जिस महापुरुष च आस्था है लोगों दी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी लोगों से अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रहे थे और एक नई पार्टी को मौका देने की बात भी कह रहे थे। शाम होते होते प्रत्याशियों का काफिला अपने घर की ओर रवाना हो गया। विनोद खन्ना का काफिला आगे बढ़ता रहा और गुरदास की सड़कों पर क्या युवा क्या बुजुर्ग, हर कोई बाइक पर सवार भाजपा के झंडे लिए विनोद खन्ना का प्रोत्साहन बढ़ाने उनके काफिले में शामिल हुआ। शाम होते होते प्रत्याशियों का काफिला अपने घर की ओर रवाना हो गया। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं। विनोद खन्ना जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो पूरे दिन का चुनाव प्रचार करने के बाद अपने घर की तरफ लौटते हैं। विनोद खन्ना जहां जहां जाते हैं वो यही लोगों को याद दिलाते हैं कि जब वाजपेयी शासन था तो कितनी महंगाई कम थी देश में, किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी हुई थी और कांग्रेस का राज आने के बाद वो किस तरह से बढ़ा है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि अगर दोबारा भाजपा की सरकार आई तो आम लोगों के लिए कितना फ़ायदा उसका होगा, इसी बिना पर वो वोट मांगते हैं। वो ये बताना नहीं भूलते कि प्रदेश में अकाली दल की सरकार ने कितने काम विकास के यहाँ पर किए हैं और उसका फ़ायदा तभी आगे मिलेगा जब उनको MP बनाकर यहाँ से भेजा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि उनके भाषणों का आम जनता पर क्या असर पड़ता है और 30 अप्रैल को यहाँ के लोग उनको कितना साथ देते हैं, उनको कितना वोट देते हैं और 16 मई को जब EVM मशीनें खुलेंगी तो उनकी किस्मत का सितारा चमकता है या डूबा रहता है। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ आदित्य चौधरी, फोकस TV, पठानकोट। साझा उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भेजा थे। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।